आप सभी का स्वागत है रोई जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम कुछ अलग कुछ नया ऐसा देखेंगे कि आज तक बर्मी कंपोस्ट की दुनिया में किसी ने ना किया हो। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नजर से, पहले आप उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम नीतीश तोमर, ग्राम लड़पुरा, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। तो नीतीश जी को आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि हमने इनकी जो है गोबर से बने हुए दीपकों वाली वीडियो डाली थी। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे किसान समाज के लिए, और इन्होंने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई हुई है और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। पेठा है, भिंडी है, आपके और बहुत सारी बेलों वाली फसलें इनके पास हैं। इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि जो वर्मी कंपोस्ट है, कई बार हमने देखा है कि लोग बांस लगाते हैं, बांसों के नीचे छाया में करते हैं, इन्होंने उस तरीके को ही चेंज कर दिया है और उसे मल्टी लेयरिंग फार्मिंग की तर्ज पे करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इनसे इसके बारे में। जी, तो नितिन जी, आपके दिमाग में ये जो आइडिया आया जी कि वर्मी कंपोस्ट के बेड नीचे हों और ऊपर जो है हमारी बेल वाली जो फसलें हैं वो लगी हों, ये कहां से कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया? सर, ऐसा था कि लोग कहते थे कि छायादार क्षेत्र में आपको वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए, फायदा मिलता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि छायादार की जरूरत नहीं होती जी। तो हमारा अनुभव ये रहा कि छायादार मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। तो हमने देखा कि हमारा खेत में नीचे वर्मी कंपोस्टिंग हो गई पूरे फील्ड में और ऊपर खाली। हाँ, पूरा एक एकड़ मतलब इसी में घिरा पड़ा और खाली है। हाँ। और कुछ भी नहीं, ऊपर खाली नजर आता था। तो ऐसे दिमाग में आइडिया आया कि यार क्यों ना इसके ऊपर कोई फसल उगा ली जाए, जिससे छाया भी हो जाए और सस्ता प्रबंधन हो जाए कि वो बेल इसके ऊपर आ जाएगी, हवा भी, इसको भी छाया मिल जाएगी और हमारा जो है कुछ आमदनी भी हो जाएगी। आमदनी तो होगी जब हम कुछ उगाएंगे। बिल्कुल। तो नितिन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये आप जो दाव है हमारा जी, कुसा है जी, ये इसे आप अपने जाल पे फैलवा रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि सर, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे ये करेले की बेल है, ये ऊपर तक जा चुकी है। इसको सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ ऐसे बिछवा दे रहे हैं। ये जो घास या दाव जिसे आप कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ जंगलों में ऐसा ही फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाता है, इसके लिए कोई कीमत नहीं लगती है। हाँ। तो इससे इसको सपोर्ट मिला रहेगा और इस पर बेल आसानी से फैल पाएगी हमारा जी, और इसको छाया भी मिलेगी इससे। तो अब जैसे कि ये बेलें हम देख रहे हैं जी, और बेलों में जो फूल लगने लगे हैं और हमारा जो ये करेले की बेल है जी, वो बड़ी ही अच्छी ये ग्रोथ कर रही हैं जी। तो ये जो आपका आइडिया है ये बहुत ही अच्छा है जी, कि कहीं ना कहीं हमें सब्जी भी यहाँ से मिलेंगी जी, और उनके नीचे हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट भी तैयार होती रहेगी। अब थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में जी। नितिन जी, क्या है कि बहुत से लोग आज वर्मी कंपोस्ट के काम में आ गए हैं जी, और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई ट्रेनिंग पर्पज इसे बना रहे जी, हैं जी, जी, जी। और ट्रेनिंग के चार्ज ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी हम ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं इस तरीके से ले जाओ जी। और केंचुआ भी बहुत बहुत महंगा लोग बेच रहे हैं। और कहीं कहीं लोग इसमें बहुत ही ज्यादा धोखा भी खा चुके हैं। क्यों? आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से लोगों को जो है जी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी, और उन्होंने एकदम से स्टार्ट किया, कर लिया, उन्होंने बताया हम अपने आदमी भेज देंगे और ऐसे लगा देंगे वैसे लगा देंगे, वो जो है बेड लगवा दिए, उसके बाद में उन्हें तो मुड़ के आना नहीं है, उन्होंने तो अपना केंचुआ बेच लिया है और जो भी कंसल्टेंसी फीस है वो उनको, जो भी मजदूरी है वो ले लिया है जी। अब यहाँ क्या होता है, ना जानकारी होने में केंचुआ मर गया। अगर सारी समस्या किसी का तैयार भी हो गया जी तो उनका खाद नहीं बिक रहा जी, और वो सारी समस्या जो है सबके सामने आती है जी। दूसरा, किसान इतना इसकी तरफ अभी जागरूक नहीं हो पा रहा क्योंकि जानकारी नहीं है। उसे लगता है कि यार बहुत महंगा है, क्या है, गोबरी तो है जी, तो हमारे यहाँ ऐसे ही, हम तो कूड़ी पे डालेंगे और ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा जी, जी, 5-6 महीने में जी। तो ऐसा क्या करें किसान, या जो लोग कर रहे हैं कि जो इससे फायदा उठा सकें और किसान भाई भी जी इसमें जो है लगाएं और अपनी फसल में इसका फायदा उठाएं?
त्यागी जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता जी। ऐसे लोग जो इस काम में घाटा खाते हैं, जो इस काम को बेकार बताते हैं, जिनके केंचुए मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, या वर्मी कंपोस्ट नहीं बेच पाते हैं जी, जिनको जिस किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, वो कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव में ही इस काम को, इसको घटना को अंजाम दे पाते हैं। आपके पास ज्ञान नहीं है खाद कैसे बनेगी, आपको खाद बनाने का तरीका नहीं पता, खाद क्यों बना रहे हैं, खाद में क्या पोषक तत्वों की जरूरी है, खाद मिट्टी में हम खाद क्यों डालते हैं, उसमें क्या पोषक तत्व खाद में होना चाहिए जो मिट्टी में जाए, उसी का ज्ञान नहीं होगा, उसको बनाने की विधि आपको सही से नहीं पता होगी, तो आप उसमें घाटा खाएंगे ही खाएंगे। आप किसी को उस कमजोर खाद को या बेकार खाद को बेचेंगे, किसान को अच्छी नहीं लगेगी, उसके पैसे बेकार हो जाएंगे, दोबारा आपकी तरफ मुड़ के ही नहीं देखेगा, वो कहेगा कि नहीं मुझे तो खाद नहीं खरीदनी, क्योंकि इससे तो कुछ फायदा हुआ नहीं जी। और कीमत आपकी बढ़ती रहेगी, किसान की भी बढ़ेगी और आपकी भी घाटा होता रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है कि हम खाद क्यों बना रहे हैं, क्या क्या पोषक तत्व खाद में होने चाहिए, वो हमारी खाद में उपलब्ध हों, जो हम प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं खाद बनाने की, जो भी मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही से हमें उसका ज्ञान हो, अनुभवी व्यक्ति से हम उस बात को समझें, प्रैक्टिकल करके देखें, तब ही अपने सामान। मतलब ये है कि हम इतना लंबा चौड़ा एकदम से ना करें, ना करें, पहले उसको सीखें, समझें, अपनी खाद की जांच कराएं, मृदा सेंटर में जाके कराएं, या अपने पास सुविधाएं हैं उन पर चेक करें कि वो मेरी गुणवत्ता है उस खाद में या नहीं। आप किसी भी जो हम बाजार से केमिकल लेके यूरिया डीएपी लेके आते हैं, ये किसी मानकों पे खरी उतरती हैं, इसको बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाती हैं, तब ये खेतों में डालती हैं और जाती हैं और असर करती हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने यूरिया और डीएपी डाला और असर नहीं हुआ, ये एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी सरकार ने, कृषि विभाग ने, डिपार्टमेंटों ने, साइंटिस्टों ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, आप उसको फॉलो करिए, उस चीज़ों को चेक करते रहिए समय समय पे, तभी वो उच्च गुणवत्ता वाली या उस गुणवत्ता वाली खाद बन पाएगी, और जब वो आप किसान को देंगे तो उसका फायदा आएगा ही आएगा और कीमत घटेगी ही घटेगी। ये हाँ, जो हमारा खर्चा होगा उसमें कीमत, हाँ, हम सोचें कि हम 3 साल में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा के जो है चमत्कार हो जाएगा, बहुत पैसे कमा लेंगे, नहीं, पहले हम वर्मी कंपोस्ट को समझें होता क्या है, इस खाद की हमें जरूरत क्यों है, हम किसान को क्या बोलेंगे कि बस तू मेरी खाद ले लो, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं खरीदेगा आपकी खाद, इस तरीके से मार्केटिंग होगी नहीं, और आपका होगा कि मेरा तो सामान नहीं बिक रहा, कभी बिकेगा ही नहीं। आप एक एकड़ में डलवा के देखिए उससे, उसको बोलिए 1 बीघे में डाल मेरी खाद, फिर एक फसल पे रिजल्ट देखिए उसका, उसको भी समझ में आएगा कि यार मेरे तो कम पूंजी में भी काम चल गया, मेरे को तो बिना यूरिया डीएपी के भी काम चल गया। तब आपकी चीज़ों के रिजल्ट आने शुरू होंगे, तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो क्वालिटी सर्वप्रथम है, जानकारी और उसके बाद क्वालिटी आपको देनी ही पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट का प्रचलन बढ़ रहा है और हमारा जो किसान है वो भी कुछ जागरूक हो रहा है और समझ रहा है, क्योंकि हर चीज़ में सब्सिडी, हर चीज़ में वो है, सरकार कहाँ तक देगी, कब तक देगी, किसान को अपने ऊपर ही जो है निर्भर होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। तो अगर ये तो एक अलग बात है कि कोई बिजनेस के लिए कर रहा है, कोई एजुकेशन के लिए कर रहा है वर्मी कंपोस्ट, सबके अपने अपने तरीके अलग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर किसान जी अपने गोबर को जी अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाए जी और अपने ही खेतों में डाले। बिल्कुल। तो आपने कुछ कोई ऐसा किसान भाइयों के लिए कोई प्लान बना रखा है, या उन्हें कोई आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, या उन्हें केंचुए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आपने मॉडल क्या बनाया हुआ है? सर, इसे कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर, ज्ञान बांटने वाली प्रक्रिया। ज्ञान बांटने वाली प्रक्रिया में, नॉलेज ट्रांसफर में, हमने एक मॉडल ऐसा बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी बच्चा भाई हमसे संपर्क करे और वर्मी कंपोस्ट को पहले समझे जी। हम 5 किलो तक वर्मी कंपोस्ट में डलने वाला केंचुआ उसे निःशुल्क देंगे। वो अपने एक छोटा सा सेटअप लगाए जिसमें 5 किलो केंचुआ डाले, पहले केंचुए को समझे इस प्रक्रिया। अच्छा, मतलब आप वो जो उसमें केंचुआ डलेगा स्टार्टिंग सेटअप में, वो 5 किलो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, पहले उस चीज को समझाएंगे उसे, क्योंकि फिर हम उससे कहें कि वो बड़ी पूंजी लगा ले और उस चीज का उसे ज्ञान ना हो और फिर वो घाटे में चला जाए, उसकी गुणवत्ता वाली खाद ही ना बन पाए, उस पर चीजें समझ ही ना है, तो उसका फिर से कोई फायदा नहीं है। पहले आप उस चीज को समझो जो आप करना चाह रहे हो। अच्छा, अगर हम गलत कर लेंगे तो खुद भी हतोत्साहित होंगे और दूसरे को भी परेशान करेंगे, यार ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने लगाया भी और करा भी और बंद कर दिया, बंद कर दिया, इसीलिए क्योंकि ज्ञान नहीं है, चीज की समझ नहीं है। बिल्कुल। इससे किसान भी परेशान हुआ, किसान ने भी सोचा कि वर्मी कंपोस्ट तो बेकार की चीज है और आपने भी सोचा इसमें तो ये मुनाफा नहीं होता, मैं तो बेकार की चीज है। तो 5 किलो तक हम केंचुआ निशुल्क देंगे, उसके बाद 150 रुपए किलो हमारा रेट रहता है केंचुए का। अच्छा, अगर कोई कमर्शियली करना चाहे, कोई बड़ा स्तर पे करना चाहे, तो 150 रुपए किलो केंचुआ हमसे प्राप्त कर सकता है यहाँ से आके। तो नीति जी, आपने जो है वर्मी कंपोस्ट और केंचुए और मल्टी लेयर फार्मिंग के साथ को जो जी अपना ये केंचुए वाले खाद को जोड़ा है जी, और लोगों के सामने एक नया मॉडल बना के तैयार करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।